तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। जानवरों में ये बात है, इंसानों में नहीं। वाह, यू अंडरस्टैंड? या ऑफ कोर्स आई डू, आई डू। मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी बातों को समझता हूँ। अल्लाह का शुक्र। सायरा, आपका टेलीविजन ऑफ है? हाँ जी, ऑफ है जी, बिल्कुल ऑफ है। मैं फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सायरा आपका। सायर भाई, रात में नाइट में इतना अच्छा जबरदस्त आपका प्रोग्राम लगता है। मेरी बेटियां इतने शौक से देखती हैं, कहती मामा सायर भाई से कहे हमने भी आना है। किस तरह आते हैं सायर भाई से पूछें? देखिए अभी तो उसका सीजन फिनाले हो गया है, अब हम 14 फरवरी से दोबारा लाइव करेंगे। और आप कहाँ, लाहौर में या कराची में? मैं जी मुल्तान से कॉल कर रही हूँ। तो फिर आपको लाहौर आना पड़ेगा 14 फरवरी। बिल्कुल जरूर आऊंगी, लाहौर जरूर आऊंगी। आपकी बेटियों के नाम क्या है? बेटी फातिमा रजाक, फातिया रजाक। फातिमा, फादिया, I love you। और ऐसे हेलो कर रहा हूँ मैं फातिमा और फादिया को। हाँ जी बिल्कुल, वो भी आपको हाय हाय बाय बाय कर रही है। बहुत खुशी हो रही है आपसे। और शायद साहब ठीक ठाक हैं, उनकी बहुत दिल किया है, लेकिन मेरी कॉल बड़े अच्छे से आज ही मिली है, शायद आपसे मुलाकात करनी थी। नहीं, मैं शाइस्ता को आपका पैगाम जो है वो बिल्कुल पहुंचा दूंगा, आप डोंट वरी। और जब शाइस्ता अगले वीक आएंगी तो प्लीज आप कॉल कीजिएगा, आई एम श्योर कि आपकी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है मंसूर, वो ले लेते हैं। आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 02132600153, यहां कॉल करने का नंबर। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं उठो जागो पाकिस्तान। माय नेम इज साहिल लोधी, विल बी राइट बैक। बुलाया ऐसे मरीजों को जो मुख्तलिफ पुरस्कार बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनके लिए जिंदगी एक इम्तहान बन गई है। हमें तलाश है एक ऐसे मसीहा की जो इनकी जिंदगी को जिंदगी बना दे। राब्ता कीजिए इस नंबर पर 03412527234। Once again, जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और मेरे पास ये है, जरा इसको देख लीजिए, इट्स कॉल्ड जुनून 20th एनिवर्सरी वॉल्यूम 1। प्लीज नजर आ रहा है सबको, जुनून 20th एनिवर्सरी वॉल्यूम 1। वो बस जुनून, मेरे ख्याल में जुनून मेरी आवाज़ था, जुनून मेरी जनरेशन की आवाज़ था, जुनून में ब्रायन था, जुनून में अली अजमत था, जुनून में सलमान अहमद थे। जुनून वॉज आर जुनून, जुनून वॉज आर पैशन, जुनून वॉज आर लव, जुनून वॉज समथिंग जिससे हम सब रिलेट करते थे। वेदर यू लाइक द म्यूजिक, वेदर यू डिडंट लाइक द म्यूजिक, वेदर यू अग्रीड टू द म्यूजिक और नॉट, बट यू लव्ड देम। पूरे पाकिस्तान का बैंड था वो। वो एक ऐसा बैंड था जिसने एक हिस्ट्री लिखी थी, एक ऐसी हिस्ट्री जो उसके बाद या उससे पहले कभी किसी बैंड ने नहीं लिखी है। यस ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे बैंड्स आए और बहुत अच्छे अच्छे बैंड्स आए, पाकिस्तान में म्यूजिक सीन बहुत ऑन रहा, लेकिन जो बात जुनून की थी वो किसी में भी नहीं आई। जुनून इज समथिंग दैट स्पेल्ड पाकिस्तान। जुनून में, जुनून कभी किसी से इंस्पायर नहीं हुआ, जुनून ने हमेशा इंस्पिरेशन दी लोगों को। मुझे याद है, मैं आई थिंक आई वॉज इन ह्यूस्टन टेक्सस व्हेन मैंने पहली मरतबा जुनून का कॉन्सर्ट जो है वो अटेंड किया था। इट वॉज करंट परफॉर्मेंस हॉल, आई रिमेंबर दैट। एंड I sat there wondering कि ये तीन लोग करेंगे क्या, because there were only three people, and it was an unbelievable concert. I think we sat there for about hour and a half or 2 hours. और उन दो घंटों में जुनून ने क्या नहीं गाया। और जब हम सब बाहर निकले तो I remember I became जुनून। हम सब जुनूनी हो गए थे, T-shirts, signatures, and we all loved Salman, we all loved Ali Azmat, we all loved Brian. And 20 साल गुजर गए इस बात को। फिर कल जो तहरीक इंसाफ का PTI का जो जलसा हुआ था उसमें एक मरतबा फिर जुनून के। एंड अगेन आई रिमेंबर दोज डेज जब मैं जुनूनी था, मैं आज भी जुनूनी हूँ। आई विश के आई वॉज वेयरिंग माई जुनून टी शर्ट, लेकिन आज मैं पहन नहीं सका, वो उम्र भी नहीं रही जुनून टी शर्ट पहनने की। बट
आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट, लेकिन जुनून की ये 20th एनिवर्सरी का वॉल्यूम है. शोएब मंसूर ने एक गाना लिखा था दिल दिल पाकिस्तान, उसके बाद शोएब मंसूर ने ही एक गाना लिखा है जुनून के लिए, इट्स कॉल्ड चांद सितारा, उनके 20 सालों पर. ओ कैन आई टेल यू, जुनून इज आ बैंड, जुनून इज व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर, जुनून इज व्हाट पाकिस्तान म्यूजिक स्टैंड्स फॉर. आज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी मुलाकात सलमान अहमद से करवाऊंगा, सो आई प्रॉमिस लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई गिव यू द वंडरफुल सलमान अहमद अलोंग विद समीना. हियर वी गो. God, Salman, assalamualaikum. How are you? कैसे हैं आप? Assalamualaikum. It's just like the last time. I know. Yeah, that's exactly the last. Exactly like the last time. Like you mentioned, did you? I'll keep this. Oh wow. How many years now?
कितने साल इंडस को? छह साल हो गए लास्ट टाइम वी ऑन योर शो. या दैट्स राइट. माय गॉड. एंड आई और नाउ द टाई एंड द सो इट्स डीसेंट ना. डीसेंट कुछ हो गया. यू इन वन नोज यू आर द होस्ट ऑफ द शो. क्या करें? मैंने कहा कि पता लगता है कि द होस्ट ऑफ द शो. अच्छा अगर चार लोग बैठे होंगे कि आई नीड टू गो एंड सिट राइट नेक्स्ट टू दिस गाय. सी आई थिंक मैंने जब शुरू में शो करने शुरू किए थे तो एक दिन नॉर्मली हमें पता नहीं होता था कि कौन गेस्ट आने वाला है ना. सच्ची मैं बता रहा हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं बताता था. मुझे तो उस वक्त पता चलता था जब मैं मेकअप में जाता था कि हमारे गेस्ट ये हैं. तो मैं मेकअप से वापस जा रहा हूँ और किसी ने मुझे आके कहा कि आपको पता है आज कौन है? मैंने कहा कौन है? और मुझे आए हुए शायद शो बिजनेस में कोई एक महीना या दो महीने हुए थे. कहले सलमान अहमद. मैंने कहा सलमान अहमद हूँ? कहले जुनून के. मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची बताओ सलमान अहमद. From Texas to Karachi. Texas to Karachi. It was unbelievable. कैसी आप समीना? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक. Thank you for coming. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for having us over. अच्छा मुझे बताइए कितने जुनूनी थे आप लोग कल? यार कल मैं बताऊँ आपको सच्ची बात, आप लोगों ने सारों ने सारी दुनिया ने देखा वो जो यूनिटी, मैं उसको यूनिटी जैम कहता हूँ. You know, जाम. Unity जाम क्योंकि लाखों लगता था कोई 10 लाख लोग है क्योंकि स्टेज से मीलों तक लोग ही लोग थे. और जो जो बैकड्रॉप था कायद आजम का, अभी 25 दिसंबर ऑफ, तो आप उधर पहुंचने के बाद यू लगता था आप एक एरा किसी और एरा में चले गए. और अच्छी बात ये थी कि कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है, कराची के अंदर बच्चे बूढ़े ख्वातीन सारे मिलजुल के हंसियाँ खुशियाँ वहाँ मना रहे हैं. और यू नो जो जो वहाँ तकरीरें हुई, यूनिटी की बात हुई, उसकी वजह से यू नो आई मीन लाइक आई सेड कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फिल्म जो थी उसके लिए मैंने गाना तरतीब दिया था कि जुनू से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी. आए मुझे महसूस हो रहा था कि वाकई पूरी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान के लिए आई है फॉर वननेस. Wow, wow, it was an unbelievable feeling because मुझे पता है कि कल हम लोगों ने भी सिवाय इसके और कुछ नहीं देखा. और एक जो ख्वातीन की एक बात होती है हमारी कि जलसों में जाना जो है वो बड़ा डेंजरस समझा जाता है, हमेशा समझा गया, औरतें थोड़ा झिझकती हैं जाने से.